भगवान रामलला के भव्य मंदिर निर्माण में विराजमान होने के लिए तीन अलग अलग अचल प्रतिमाओं का निर्माण अयोध्या में किया जा रहा है। मूर्ति कला के तीन प्रकांड विद्वान या यूं कहा जाए विशेषज्ञ रामलला की अचल मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में अब जैसे जैसे मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि करीब आ रही है, वैसे वैसे ही मूर्ति के स्वरूप को लेकर भी लोगों के मन में व्याकुलता बढ़ती जा रही है। हर राम भक्त के मन में यह लालसा होती है कि वह अपने आराध्य के बन रहे भव्य मंदिर निर्माण में विराजमान होने वाले रामलला के दर्शन कैसे करेंगे। शायद ही वजह है कि अब उनका इंतजार समाप्त होने वाला है। भव्य और दिव्य प्रतिमा भगवान राम के भव्य मंदिर में स्थापित की जाएगी, जिसको लेकर अयोध्या में तीन प्रतिमा का निर्माण हो रहा है। हालांकि मंदिर में एक ही प्रतिमा स्थापित होगी, जिस पर अंतिम निर्णय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगाएगा। हालांकि राम मंदिर के गर्भगृह में 51 इंच रामलला की बाल स्वरूप प्रतिमा कमल दल पर सवार होगी और इस प्रतिमा को बाल सुलभ शास्त्र सम्मत मूर्ति कला के विशेषज्ञ बना रहे हैं। सबसे विशेष मूर्ति को रामलला के मंदिर में विराजमान कराया जाएगा। मूर्ति हमको इसी महीने कंप्लीट करके देनी है और समझ लीजिए 90% काम हो चुका है। इस महीने के अंत में हम कर देंगे। किस तरीके से, कितनी मेहनत करके, कैसे भगवान रामलला की जो मूर्ति दे रहे हैं, कितनी खूबसूरत, कैसे नक्काशी कर रहे हैं, कितने लोग लगाएंगे? ये नक्काशी के बारे में अगर बताया जाए तो जो आम जनता है जो सोच रही होगी या कल्पना कर रही होगी कि ऐसी होगी, उससे भी अधिक सुंदर होगी। क्योंकि ये चीज़, क्योंकि अभी हम उससे चीज़ को ज़्यादा बता नहीं सकते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, लेकिन सब लोगों को एक इतना बड़ा एक सरप्राइज़ मिलने वाला है पूरे देश को कि ऐसी मूर्ति कभी कहीं देखी ना हो, उस हिसाब से बन रही है।